हर साल 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। वर्ल्ड रेड क्रॉस डे हर साल 8 मई को मनाया जाता है। तो यह 8 मई को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसके जो संस्थापक थे हेनरी ड्यूनेंट, इनका जन्म 8 मई को ही हुआ था। तो इन्हीं के जन्मदिन की याद में 8 मई को वर्ल्ड रेड क्रॉस डे मनाया जाता है। दोस्तों, आप लोग डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जा करके विश्व रेड क्रॉस दिवस साथ साथ भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी के बारे में जानकारी को देख सकते हैं। तो आप लोग लिंक में जाइए और वहाँ से जो जानकारी है उसको आप लोग देख सकते हैं विश्व रेड क्रॉस दिवस के बारे में। दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है कि हर साल कुछ ना कुछ थीम के साथ में मनाया जाता है, तो थीम इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो इस वर्ष का जो थीम क्या है और पिछले वर्ष का थीम क्या था, इसको भी अभी हम लोग देखते हैं। तो इस वर्ष का थीम है, यानी कि 2023 का जो थीम है वह आप लोगों को ध्यान रखना है सबसे ज़्यादा। तो वो थीम है, हम जो कुछ भी करते हैं हैशटैग दिल से आता है। तो यह हिंदी में है, हम जो कुछ भी करते हैं हैशटैग दिल से आता है। इंग्लिश में हम लोग इसी को कहेंगे, एवरीथिंग वी डू कम्स हैशटैग फ्रॉम द हार्ट। तो यह है इंग्लिश में, एवरीथिंग वी डू कम्स हैशटैग फ्रॉम द हार्ट। तो ये आप लोग याद करना है इसको। और यह जो थीम है वह दिया गया है भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी के बारे में, ये भी आप लोगों को याद रखना है। तो ये इंग्लिश और हिंदी दोनों में याद रखेंगे। साथ ही साथ इसका जो है एक और थीम है जो कि दिया गया है, इम्फेसिजिंग द यूनिवर्सल ह्यूमन एंड डाइवर्स डायमेंशंस ऑफ द रेड क्रॉस मूवमेंट। तो ये इंग्लिश में है, इम्फेसिजिंग द यूनिवर्सल ह्यूमन एंड डाइवर्स डायमेंशन ऑफ द रेड क्रॉस मूवमेंट। इसको हिंदी में कहेंगे, रेड क्रॉस आंदोलन की सार्वभौमिक मानवीय और विविध आयामों पर जोर देना। तो इसको हिंदी में है, तो दोनों को याद रखेंगे, रेड क्रॉस आंदोलन की सार्वभौमिक मानवीय और विविध आयामों पर जोर देना। तो ये जो दोनों थीम है वो याद रखेंगे, एग्जाम में जैसे भी पूछा जाएगा आप लोग उसी प्रकार से बनाएंगे। तो यहाँ पे जो है इम्पोर्टेंट क्या है, एवरीथिंग वी डू कम्स हैशटैग फ्रॉम द हार्ट, हम जो कुछ भी करते हैं हैशटैग दिल से आता है। ये थीम को तो आप लोगों को याद रखना ही है, क्योंकि यह भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी के बारे में दिया गया है। और जो अगला है, रेड क्रॉस आंदोलन की सार्वभौमिक मानवीय और विविध आयामों पर जोर देना, यह भी एक थीम है जो कि इंटरनेशनल है। तो ये आप लोगों को याद करना है। दोस्तों, पिछले वर्ष का थीम की बात करते हैं, यानी कि 2022 वाला जो थीम क्या था, तो 2022 यानी कि 2023 का जो थीम था वह था हैशटैग बी ह्यूमन काइंड। तो वह हिंदी में कहेंगे हम लोग, मानव दयालु बने। यह था पिछले वर्ष का थीम, बी ह्यूमन काइंड, मतलब हैशटैग बी ह्यूमन काइंड, मानव दयालु बने। यह था पिछले वर्ष का थीम। और इस वर्ष का जो थीम था वो तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया। तो दोस्तों, आप लोगों को ये जो दोनों थीम है वो याद करनी ही करनी है, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है, इससे लगातार क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है वहाँ पर जाकर के पूरी जानकारी को देख सकते हैं।